मैं नमस्कार आप सभी को, और बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ क्योंकि इतने बड़े प्रोड्यूसर साहब धीरेन्द्र भैया जी के हाथों हुआ और इतने बड़े डायरेक्टर साहब चंदन जी, तो यही हमारे लिए बहुत आशीर्वाद की बात है। और वाकई में हम जैसे कलाकार को इतने बड़े जो गुणी लोग हैं उनका एक सहारा मिलता है तो बहुत कॉन्फिडेंस आता है और अच्छा काम करने का दिल भी करता है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। मुंबई के पारो के बारे में बताइए। मुंबई के पारो क्या है कि मुंबई का सब कुछ मुंबई में ही होता है, और मुंबई की पारो जो गाना है मुंबई के आधारित है। बस थोड़ी जहाँ पे जब तक जहाँ तक खूबसूरत लड़कियाँ होती हैं तो एक इमेजन है, बस वो गाना हमने उसमें बनाया है। हे गुलाबी गाल वाली जारा रुको, मुंबई से हो थोड़ा बताओ मुझको, तेरी आँखें हैं सारा भी तेरी चाल मस्तानी, ओहो ओहो मुंबई के पारो पारो दिल ना मछेरो अछेरो, इस टाइप का हम बेचारों को ना मारो ए मुंबई के बारो, थोड़ा अलग स्टाइल में किया गया है। आपकी पारो नहीं आज लॉन्च है आपका गाना, आपकी पारो आज शामिल नहीं हुई। हमारी पारो जो है बहुत बिजी हो गई आजकल, आज गई है नेपाल तो वहाँ पर उनका शो है, तो उनको मैं बोला था कल, तो बोली कि सॉरी ऐसा है कि पहले से ही प्लान बन गया मेरा तो मैं नेपाल जा रही हूँ, नहीं तो पारो होती हमारे साथ और फिर नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ ओकेजन होएगा तो पारो को लेके आऊँगा। कौन है आपकी जो पारो है उनके बारे में? निकिता घाघ हैं, बड़ी अच्छी मॉडल हैं और बोलते कि, और मैं भी देखता हूँ काफ़ी सोशल मीडिया पर सेंसेशन है आज के डेट में, तो बहुत हॉट और बहुत फेमस चल रही हैं आजकल, बड़ा नाम चल रहा है उनका, वही हमारी पारो, मतलब गाने में पारो हैं, ऐसे पारो नहीं हैं। डीएम भैया, आपने यहाँ पे सॉन्ग लॉन्च किया, आपके हाथों यहाँ पे लॉन्च हुआ है रैपर हितेश्वर का गाना मुंबई के पारो, आपका आशीर्वाद इन्हें मिला, बहुत खुश हैं आज। मुझे भी बड़ी खुशी हुई, गाना इनका मैंने सुना थोड़ा सा इनके ही मुख से, बड़ा अच्छा लगा और गाना लॉन्च किए हैं, मेरा बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद है इनको, सक्सेस हो। मुंबई बेस्ड गाना है, मुंबई के लोगों पर आधारित गाना है, आपको बढ़िया लगा हितेश्वर का गाना? मैं ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ गाने के बारे में क्योंकि मैंने जितना सुना बस मुझे इनकी आवाज़ और म्यूज़िक और ये सब थोड़ी सी अच्छी लगी, तो इसलिए गाने के बारे में अगर कुछ आप उसके बहुत ज़्यादा डीप में पूछेंगे तो मैं नहीं बता पाऊँगा क्योंकि मुझे रैप के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी है नहीं। मैं थोड़ा मेलोडी सॉन्ग पसंद करता हूँ ज़्यादा, बट मुझे लगता है कि मैं पहली बार किसी का रैप सॉन्ग गाने वाला कोई व्यक्ति अपने आसपास ऐसा आया है तो इसलिए मैं उसमें भी इंटरेस्ट दिखा रहा हूँ, देखते हैं आगे चल के कैसे क्या होता है। जी चंदन जी, हितेश्वर ने गाना लॉन्च किया है, आप ये शुभकामनाएं इन्हें मिलेंगी तो यकीनन बहुत फायदेमंद होगा। देखिए बिल्कुल मेरी शुभकामनाएं हैं, और आज जहाँ लोग वल्गर गाने गा रहे हैं और टाइप्स ऑफ बहुत अलग अलग गाने गा रहे हैं, वहाँ पे कोई एक लड़का आया है और कुछ अच्छा गाना चाह रहा है या कुछ अलग स्टाइल में गाना चाह रहा है, कुछ अलग एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो वैसे लोगों के साथ तो मैं पहले से रहा हूँ, कुछ नया करने के लिए मैं जो भी करता है मैं उसके साथ खड़ा रहता हूँ, तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि इन्होंने कुछ नया किया है और कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी शुभकामनाएँ हैं। मुंबई की पारो जो है, गाने के जो बोल है मुंबई की पारो है, मुंबई में कहा जाता है कि हर एक की अपनी कहानी होती है, एक सक्सेस स्टोरी होती है, हम तमाम लोग बाहर से आते हैं, यूपी बिहार नॉर्थ से कहीं से भी आते हैं और मुंबई हमें गले लगाती है, चंद्रन उपाध्याय का अपना क्या अनुभव दिया, क्या है, क्या दिया मुंबई ने उसे? देखिए मुंबई ने तो मुझे सच में दिया है, बाकी लोग जैसे सपने लेके आते हैं मुंबई, वैसे मैं भी सपना लेके आया था, और मुझे जो कुछ भी आज मिला है, जो लोग मुझे जानते हैं वो बॉम्बे से ही मुझे मिला है, कर्मभूमि मेरी यही है, तो मुंबई सच में सपनों की नगरी है और यहाँ आपको मिलेगा, आप अगर मन से दिल से अगर काम करेंगे, अपने काम में लगे रहेंगे तो 100% ये मुंबई आपको अपनाएगी और एक बड़ा नाम देगी, बड़ा चेहरा देगा। सो मैं तो चाहूँगा और भगवान से ये दुआ करूँगा कि हितेश भाई को भी वैसे ही कामयाबी मिले और जितना सहयोग मेरे से बन पाएगा मैं ज़रूर करूँगा। बिल्कुल हितेश्वर भाई, ये बताइए मुझे कि मुंबई के पारो जो है ये गाना, ये कैसे बनाने का ख्याल है, क्योंकि आपने इससे पहले बिहार पर गाने बनाए, भोजपुरिया के लिए गाने बनाए आपने और अब मुंबई को लेकर आपने गाना बनाया। हूँ तो बिहारी लेकिन मुंबई में ही पला भड़ा और कर्म भूमि है मेरा,
तो काफ़ी मुंबई के डीप लाइफ जिया हूँ मैंने। बिरार से लेके मैं वालकेश्वर जहाँ वर्षा अपार्टमेंट है, सीएम साहब रहते हैं, वहाँ तक मैं रहा हूँ, हर बीच में रहा हूँ, वहाँ तक मेरी फ्रेंडशिप है, दोस्तों की है, मैं गली गली जानता हूँ बॉम्बे का। तो और हमने पहले भी बता चुका हूँ बहुत सारे इंटरव्यू में कि मैं डीजे भी था, बड़े बड़े क्लब में गाने बजाता था। तो ये ख्वाहिश थी, चॉइस थी कि चलो हम बनाएंगे बम्बई में कुछ, उसके आधारित कुछ गाना बनाएंगे। तो वो सोच के एक एक चीज़ डीपली सोच के बनाया है। तो बिल्कुल, तो मुंबई के बारे में जो जानकारियाँ थी आपको, उसने इस गाने को बनाने में मदद की। जी सर, नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा, एकदम नीट एंड क्लीन शब्द लिया है और सिंपल सा शब्द यूज किया हुआ है कि आप भी गा सकते हैं, कोई भी गा सकता है, बोल कोई भी, मतलब इतना इजी शब्द लिया हूँ। हे गुलाबी गाल वारी जाला रुको, अरे मुंबई से हो बताओ थोड़ा कुछ तो, हे गुलाबी गाल वाली जरा रुको, मुंबई से हो बताओ थोड़ा कुछ तो, तेरी आँखें सर अभी तेरी चाल मस्तानी, ओहो ओहो, अरे मुंबई के पारो पारो, हम बेचारों को ना मारो मारो, हे मुंबई के पारो पारो। कितना सिंपल, आप भी गा सकते हैं साहब। शानदार शानदार। डियर भैया, इनके आने वाले समय में इनके साथ कोई आप प्रोड्यूस करने वाले, कोई गाना आप इनका करने वाले हैं? एक इनका रैप सॉन्ग है जो हम करने के लिए जो है हाँ किए हैं, बोले हैं, उसके शूट पे जाने में गाना तो ऑलमोस्ट शायद रिकॉर्ड हो चुका है जी, मतलब फाइनल उसका वीडियो सॉन्ग शूट होना है। और वो इन्होंने भगवान राम के ऊपर और अयोध्या के ऊपर जो है, जहाँ पे अभी हम लोगों ने पूरे संकट मोचन हनुमान लव यात्री को शूट किया है, तो फॉर्चुनेटली जो है इन्होंने जिक्र किया कि हमारा ये गाना भी जो सर हम अयोध्या में ही शूट करना चाहते हैं। तो अभी अभी इनके ऊपर है कि कब जाने वाले हैं, अयोध्या में ही शूट करेंगे। तो वो भी रैप सॉन्ग ही है इनका, इसलिए मैंने आपसे कहा तभी थोड़ी देर पहले कि जो है कि फर्स्ट टाइम पे मैं किसी का रैप सॉन्ग सुन रहा हूँ और मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। बाकी तो अब आगे कैसा एक्सपीरियंस होगा जब गाना आएगा, जैसे अभी सुन रहा हूँ इनके मुंह से तो ये अच्छा लग रहा है, आगे वो थोड़ा सा भगवान राम के ऊपर है तो वो भी मुझे अच्छा लगा है, म्यूज़िक वगैरह उसका अच्छा लगा है। बाकी वीडियो सॉन्ग कैसे शूट करेंगे वो जाके वहाँ उसके बाद पता चलेगा, तो अच्छा है। आपको इतनी नोटेड कंपनी है, इतनी बड़ी फिल्में की इन्होंने, संकट मोचन हनुमान लव यात्री जैसी फिल्में और भी कई फिल्में की हैं, यकीनन अब आपका जो दावा है फिल्म इंडस्ट्री में वो मजबूत हो रहा है। थैंक यू सो मच। और हमारे साथ जो दो लोग ऐसे खड़े हैं जिससे काफ़ी ताकत हमारी बढ़ जाती है, और मैं ऐसे ही बहुत खुश हो गया हूँ कि क्या बोलते हैं भोजपुरी हिंदी बहुत कुछ है, और वो तभी पता लगता है जब यकीनन कोई साथ में खड़ा हो, बोली जाती है और ऐसी बातें बिना मतलब होते ना सबूत की बोली जाती हैं, यहाँ तो सबूत खड़े हैं जो साथ दे रहे हैं। बिल्कुल, चंदन पोटेंशियल नज़र आता है इनमें? बिल्कुल, देखिए पोटेंशियल तो नज़र आएगा, और सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है ना कि आपको लोग क्या बोलता है पता नहीं, अगर आपका कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं अच्छा कर सकता हूँ तो वो कॉन्फिडेंस कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वही आपको ऊपर तक लेके जाएगा। तो वो मुझे लगता है इनमें, और मुझे लगता है कि यही कॉन्फिडेंस इनको आगे लेके जाएगा। मेरी शुभकामनाएं, और मैंने बोला है कि मुझे जहाँ भी जितनी मेरी सहयोग होगा हमारा, हम बिल्कुल करेंगे। अच्छे सोच वाले हो कि या अच्छे लोगों के लिए मैं हमेशा खड़ा रहा हूँ, मैं खुद भी अच्छा सोच लेके चलता हूँ, तो मुझे लगता है कि वैसे लोगों के लिए ज़रूरत है यहाँ पे डेफिनेटली। मुंबई के पारो एक बार। हे गुलाबी गाल वाली जरा रुको, अरे मुंबई से हो बताओ थोड़ा कुछ तो, तेरी आँखें सर अभी तेरी मजाल मस्तानी, ओहो ओहो, अरे मुंबई के पारो पारो, तेरे चार चा हजारो हजारो, और हम बेचारों को ना मारो मारो, मुंबई के पारो पारो। थैंक यू, कुछ इस टाइप का। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।